नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। भाजपा की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश से बदल गए लोकसभा चुनाव के समीकरण। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मनाली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेता प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर सरकार बनाने का सपना देखना छोड़ दें। कांग्रेस ने हिमाचल में भाजपा का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से डिफीट कर दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश की उससे लोकसभा चुनाव के समीकरण बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की कर्मभूमि रही, जो भी उन्होंने बोया उसे कांग्रेस काटेगी और जीत हासिल करेगी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कंगना की बात करते हुए कहा कि फिल्मी सितारे आज तक राजनीति में सफल नहीं हो पाए, जीतने के बाद या तो जल्द ही राजनीति छोड़कर चले गए या क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए। शिमला जिले में 7231 कर्मी देंगे चुनाव में ड्यूटी। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों की पहली रेंडमाइजेशन यानी छटनी प्रक्रिया गुरुवार को राष्ट्रीय सूचना केंद्र के कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसके जिले के 1058 मतदान केंद्रों में तैनात किए जाने वाले पीआरओ, एपीआरओ और पीओ के लिए 7231 कर्मियों के डेटा की रेंडमाइजेशन की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि चुनाव कर्मियों के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 24 अप्रैल से पहली रिहर्सल शुरू होगी। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर साधा निशाना, बोले देव परंपरा खतरे में, हस्तक्षेप करें मोहन भागवत। लोक निर्माण मंत्री और मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और प्रांत संचालक से सनातन धर्म को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जिससे देव परंपरा खतरे में आ गई है। भाजपा प्रत्याशी ने ऐसे खानपान को बढ़ावा दिया जिसके बारे में देवभूमि के लोग सोच भी नहीं सकते। ऊना गगरेट मार्ग पर तूफान से चलती कार पर गिरा पेड़, चालक बाल बाल बचा। ऊना जिले में शुक्रवार को अचानक बदले मौसम के कारण चली हवाओं के चलते सड़क किनारे खड़ा भारी भरकम पेड़ टूटकर कार पर जा गिरा। हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान से बचाव हुआ। जानकारी के अनुसार ऊना गगरेट मुख्य मार्ग पर गांव गुगलेहण में कार में सवार लोग कुछ सामान लेने के लिए बाजार में रुके। चालक कार को जैसे ही सड़क किनारे करने लगा तो इसी दौरान सड़क किनारे खड़ा आम का पेड़ तेज हवा के कारण टूटकर कार पर जा गिरा। इससे कार काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार सवार बाल बाल बच गया। विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन ताशीगंग का सहायक निर्वाचन अधिकारी ने किया दौरा। विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन ताशीगंग में सहायक निर्वाचन अधिकारी हर्ष नेगी शुक्रवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मतदाताओं के साथ विशेष बैठक की और उनकी मांगें सुनी, साथ ही लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के पक्ष पर विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक में ताशीगंग गांव के लोक निर्माण विभाग के अस्थायी तौर पर काम करने वाले 13 पूर्व दैनिक वेतन भोगी मजदूर और उनके परिजन विशेष तौर पर मौजूद रहे। पैराग्लाइडिंग नियम न मानने पर रद्द होंगे लाइसेंस। प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के चलते हो रहे बड़े हादसों के चलते टूरिज्म विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया। दरअसल पैराग्लाइडर नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पैराग्लाइडिंग की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में अब यदि नियमों की अवहेलना होगी तो सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द होगा। इसके साथ ही पैराग्लाइडर के लिए SIV कोर्स करना जरूरी होगा, जिसके साथ ही टूरिज्म विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन करवाना आसान होगा और रजिस्टर्ड पैराग्लाइडर को 2 साल का कोर्स करना होगा। पौंग डैम मनाली के तहत आने वाले क्षेत्र में अभी 150 पैराग्लाइडर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा घोटाला, SC ने खोली पोल। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी एजेंसीज को दुरुपयोग कर कंपनी से धन की उगाही की और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया। कांग्रेस को भाजपा से परिवारवाद और राष्ट्रवाद का ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान तक बलिदान कर दी। इससे बड़ा राष्ट्रवाद का उदाहरण देश के इतिहास में भला और क्या हो सकता है।
राष्ट्रवादी और परिवारवादियों के बीच है चुनाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पहली जून को होने वाला लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवादी शक्तियों और परिवारवादी शक्तियों के बीच है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चली, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग हैं जो अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक ओर दुनिया के महान नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को मिटाने का संकल्प लेकर चुनाव में उतरे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और उनके साथी भ्रष्टाचारियों को बचाने चुनाव मैदान में उतरे हैं। 557 उपभोक्ताओं की कटेगी बिजली, आदेश जारी। बिजली बोर्ड चंबा ने बिल की बकाया राशि जमा न करने पर 557 उपभोक्ताओं के बिजली काटने के आदेश जारी कर दिए। एक बार अस्थायी कनेक्शन कटने के बाद उसे सुचारू करवाने के लिए उपभोक्ताओं से 250 रूपये अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। क्षेत्र के विद्युत उपमंडल चंबा 2 के अनुभाग खजियार के 109, चनेर के 101, सरोल के सबसे अधिक 184, मरेड़ी के 81 व साहू के 82 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा नहीं करवाए। वहीं उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बोर्ड के 8,57,000 रूपये राजस्व पर कुंडली मारी हुई है। लाहौल स्पीति के ग्यू गांव में पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, लोग बोले मोदी जी धन्यवाद। मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने हमारी समस्या को समझा और आज ग्यू गांव दुनिया से जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोबाइल फोन पर बात करते हुए ग्रामीणों का यही कहना था। गांव में मोबाइल फोन नेटवर्क पहुंचने से उनकी खुशी देखते ही बनती थी। हिमाचल के शीत मरुस्थल यानी लाहौल स्पीति जिले में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गांव ग्यू वीरवार को मोबाइल फोन नेटवर्क से जुड़ा। पहली कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, ग्यू गांव के शिक्षक दोरजे से मोबाइल नेटवर्क आने के लाभ के बारे में चर्चा की। जयराम ठाकुर बोले 10 साल में 15 बार हिमाचल आए प्रधानमंत्री मोदी, यूपीए सरकार में हुई अनदेखी। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में विकास की रफ्तार बढ़ाने का श्रेय केंद्र की भाजपा सरकार को ही जाता है, जबकि कांग्रेस के राज में प्रदेश विकास को हमेशा तरसता रहा। कांग्रेस के नेताओं ने कभी हिमाचल को तरजीह नहीं दी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को अपना घर बताकर यहां पर तीव्र विकास करवाया है। स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल रद्द। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल रद्द कर दिया। ये प्रवेश परीक्षाएं 16 मई से शुरू होनी थी, लेकिन शुक्रवार को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल रद्द करने की सूचना जारी कर दी। विश्वविद्यालय अब स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट का अध्ययन करने के बाद और विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देते हुए आगामी दिनों में नया शेड्यूल जारी करेगा। युवकों को उपलब्ध करवाते थे नशे का सामान, पुलिस ने 3400 प्रतिबंधित टैबलेट सहित धरा। सोलन पुलिस ने प्रतिबंधित दवा के साथ सोलन के दो युवकों को पकड़ा है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि इस मामले में आगामी कार्रवाई के लिए मामला ड्रग विभाग को सौंप दिया गया है। फतेहपुर के बीएसएफ जवान की नागालैंड में हुई मौत। विधानसभा फतेहपुर के पंचायत गोलबाग के सथेरा निवासी बीएसएफ के जवान हेड कांस्टेबल सुनील कुमार का नागालैंड में अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।